एक नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि द्विघात पद इतना है तो शून्य दो का के का मान ज्ञात करें। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन दो, 10। आगे देखते हैं अगला, वाई अक्ष बिंदु इतना है तो बी अक्ष को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन दो, 5:1 का। आगे देखते हैं, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4। आगे देखते हैं, एम समानांतर रेखाएं एन समानांतर रेखा एस को काटती है यदि जिससे 60 से समानांतर चतुर्भुज बनते हैं, इतना का मान ज्ञात करें। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4। आगे देखते हैं, मान ले कि एक्स शब्द प्रिय इतना के कर्मचारियों की संख्या है और वाई शब्द इतना के कर्मचयों की संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3। आगे देखते हैं, यदि ए किसी विशेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है तो यदि वे एक साथ कार्य करें तो कितने दिन लगेंगे। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3। आगे देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर 12 घंटे से अधिक सूर्य का प्रकाश रहता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 और 4। आगे देखते हैं, जैन धर्म के श्रुतांबर संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2। यह भिक्षुओं को संदर्भित करता है जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विंध्य के दक्षिण में चले गए थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित का चयन करें। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हम कमरे के तापमान पर पानी को आसानी से उबाल सकते हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3, कम दबाव पर। आगे देखते हैं, बोस इंडस्ट्री कंडेंसन है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2, बहुत कम गतिज ऊर्जा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक है। इसका सही जवाब हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं, 50 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग दर्पण में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है, दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1, अनंत पर। आगे देखते हैं, 50 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, ये तो हो गया, इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लगातार बारिश को राज्य आपदा घोषित किया था। इसका सही जवाब हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया किसके महत्व पर जोर देता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1, सांस्कृतिक उपकरणों। आगे देखते हैं, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। इसका सही जवाब हो गया आपका संवेदिक, मूर्त अमूर्त, 1 नंबर। आगे देखते हैं, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में से कल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। इसका सही जवाब हो गया आपका 4, अन्वेषण और संवाद। आगे देखते हैं, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3,
विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। आगे देखते हैं संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन एक, पार। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन महिला नयनार संत नहीं है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन तीन, अंडाल। आगे देखते हैं समाजवाद का जन्म स्थान कौन सा देश था। इसका सही जवाब हो गया आपका फ्रांस। आगे देखते हैं व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में सोवियत संघ का नेता कौन बना। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन एक, जोसेफ स्टालिन। आगे देखते हैं नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन जर्मनी, ऑप्शन दो जर्मनी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन चार, अधिकारों का बिल। आगे देखते हैं लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन तीन, नागरिकों को राजनीतिक में भाग लेने के अवसर प्रदान करना। आगे देखते हैं कांग्रेस त्रिपुरी अधिवेशन में किनको परास्त कर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन दो, पट्टाभी सितारमैया। आगे देखते हैं कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन दो, ए ओ हुमन। आगे देखते हैं निम्नलिखित में किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन दो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन चार, लॉर्ड डफरिन। आगे देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के पूर्व कांग्रेस के किस नेता की गिरफ्तारी हुई थी। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन एक, सैफुद्दीन किचलू। 1919 में भारत के वायसराय कौन थे। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन चार। आगे देखते हैं किस शहर में हुए अपने सालाना जलसे में कांग्रेस ने असहयोग का प्रस्ताव पास किया था। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन दो, नागपुर। आगे देखते हैं चौरा चौरी किस जिले में अवस्थित है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन तीन, गोरखपुर में। आगे देखते हैं खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीनीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो अपने निर्माण के लिए क्या लेते हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन तीन, लाखों वर्ष। आगे देखते हैं 216 नंबर, इसका सही और जवाब में देना है भारत के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन एक, केवल एक। आगे देखते हैं सुंदर वन जंगल को और क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन दो, मैंग्रोव। आगे देखते हैं वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका सही जवाब हो गया आपका वृक्षारोपण। आगे देखते हैं भारत का सबसे छोटा वन राज्य कौन सा है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन दो, पंजाब। आगे देखते हैं 2019 में पिट वाइपर की एक नई प्रजाति की खोज की गई और इसका नाम उस राज्य के नाम पर रखा गया जिसमें
यह पाया गया कि निम्नलिखित में से यह राज्य की पहचान कीजिए। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन दो, अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं, एक अर्धवृत्त में कितनी सीमा सममित रेखाएं हो सकती है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन दो। आगे देखते हैं, एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु हो सकते हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन एक यानी दो, 7:30। 7:30 बजे घड़ी मिनट की सुई किस बिंदु पर होगी। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन तीन यानी 6। आगे देखते हैं, प्रिज्म के आधार पर आधार का आकार कैसा होता है। इसका सही जवाब हो गया त्रिकोण। आगे देखते हैं, जब आप एक ईंट को क्षैतिज कट देते हैं तो आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट मिलता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन चार यानी आयत। आगे देखते हैं, 6 अंकों की सबसे बड़ी वाली संख्या में कितना जोड़ने पर 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4। आगे देखते हैं, उत्तर का चिन्ह 2 पूर्णांकों के जोड़ और घटाव पर निर्भर करता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 यानी अधिक संख्यात्मक मान। आगे देखते हैं, इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3। आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है। -1 प्राप्त करने के लिए इतना का में से क्या घटाया जाना चाहिए। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1। आगे देखते हैं, इतना का मान ज्ञात करें। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4। आगे देखते हैं, इतना माइनस इतना बराबर कितना होगा। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2। आगे देखते हैं, -8 और -12 का गुणनफल ज्ञात करें। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1, 96। आगे देखते हैं, एक होटल में प्रति रात रुकने का खर्च इतना रुपये है। होटल से चेक आउट करते समय एक आदमी इतना रुपये की राशि का भुगतान करता है तो वह होटल में कितनी रात रुका। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 यानी 4 रात। आगे देखते हैं, 10 समान अखबारों का एक ढेर 15 सेंटीमीटर ऊंचा है। प्रत्येक समाचार पत्र की मोटाई क्या है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2। आगे देखते हैं, 10 मिलीमीटर बराबर है कितना होगा 1 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, एरोन का वजन 49 किलो इतना ग्राम है और रन का वजन 32 इतना ग्राम है तो किसका वजन कम और कितना है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1। आगे देखते हैं, एक आदमी किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है लेकिन अपने बेटे की मदद से उसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। बेटा इसे अकेले कितने समय में कर सकता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3। आगे देखते हैं, एक पानी की टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। पानी की टंकी के तल से रिसाव के कारण यह 10 घंटे में भरती है। यदि पानी की टंकी भरी हुई है और रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 यानी 40 घंटा। आगे देखते हैं, एक दीवार का आयतन जो जितनी चौड़ी है उससे 5 गुना है और जितनी ऊंची है उसका 8 गुनी लंबी है, यानी इतना की दीवार की चौड़ाई कितनी होगी। इसका सही जवाब हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। यदि एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इसका घुमावदार सतह क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, सिलेंडर का आयतन कितना होगा। इसका सही जवाब हो गया आपका 396 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, अंतराल पैतना का 15 को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब हो गया ऊपरी सीमा। आगे देखते हैं, यदि हम पहले n विषम संख्याएं जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 यानी n×। आगे देखते हैं, एक वस्तु पर अंकित मूल्य 840 रुपये है और इतना रुपए में बिका है तो छूट का परसेंट कितना होगा। इसका सही जवाब हो गया आपका 15%। आगे देखते हैं, 50 पैसे से 1 रुपये का अनुपात। इसका सही जवाब हो गया आपका 1:2। आगे देखते हैं,
कक्षा 6 की एक गणित की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखा। प्रातःकालीन शहर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 70, 85 और 95 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे वही दूरी पूरे कदमों में तय कर सके। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक होगी? इसका सही जवाब हो गया आपका 900। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के आकलन का आया नहीं है? इसका सही जवाब हो गया गणित के प्रति रुझान। आगे सवाल क्या कह रहा है, पी रेखा ए बी पर एक बिंदु है और पी क्यू एक किरण है जिसमें से कोण क्यू पी ए बराबर 7 और कोण क्यू पी बी बराबर 5 एक्स है, फिर 8-10 का मान ज्ञात करें। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 110 डिग्री। आगे देखते हैं, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या 12 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 7:5:7 हो जाता है। दी गई दोनों संख्याओं का योग है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3:48। आगे देखते हैं, एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त कि यह 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1। आगे देखते हैं, अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 को 4 से गुणा करने को कहा। उनसे छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया। 48 को 4 से गुणा करने के लिए हम पहले 48 में 48 जोड़ते हैं जिससे 96 बनता है और फिर 96 और जोड़ते हैं तो 192 बनता है। इस प्रकार उत्तर 192 है। गुना की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4, यानी उसने गुना को बार बार योग करने में समझा है। आगे देखते हैं, पारिवारिक शिक्षा के साथ क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ताकि परिणाम बेहतर हो सके? इसका सही जवाब हो गया सूचना प्रौद्योगिकी यानी ICT। आगे देखते हैं, चक दे इंडिया फिल्म में कौन सा खेल दिखाया गया है? इसका सही जवाब हो गया आपका हॉकी। आगे देखते हैं, किस समूह के जीवों के पंजे नहीं होते हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका मछली। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी जानवर है? इसका सही जवाब हो गया आपका कुत्ता। आगे देखते हैं, कानून बराबर वकील तो किसका बराबर वैज्ञानिक होगा? इसका सही जवाब हो गया आपका विज्ञान। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट खाली जगह ऊर्जा के कारण काम करते हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका विद्युत। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहरणीय फाइबर प्रदान करता है? इसका सही जवाब हो गया उपरोक्त में से सभी। आगे देखते हैं, एक मिनट, भारोत्तोलकों को आमतौर पर मजबूत मांसपेशियां और शरीर का द्रव्यमान बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की जरूरत है जो समृद्ध हो। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 यानी प्रोटीन। आगे देखते हैं, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से कठिनाइयों से जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब हो गया पढ़ने से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक समूह का चयन करें जिसमें भोजन पकाने की विधियां शामिल हो। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन 4 यानी पकाना, तलना, भुनना। आगे देखते हैं, खाली जगह वर्षा की कमी या अनियमित वितरण के कारण होता है?
क्या होता है? इसका सही जवाब हो गया आपका सूखा। आगे देखते हैं, कैल्शियम की अधिक मात्रा के कारण किशोर किस खाद्य समूह का सबसे अधिक सेवन करते हैं? इसका सही जवाब हो गया डेयरी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह राउरकेला स्टील प्लांट के सबसे नज़दीक है? इसका सही जवाब हो गया आपका पारादीप। आगे देखते हैं, पलक्का से आगे गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो क्या कहलाती है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन एक पद्म। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दो उत्तर दक्षिण गलियारे से जुड़े हुए हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन एक श्रीनगर और कन्याकुमारी। ईंधन की एक निश्चित मात्रा पर मोटर वाहन द्वारा तय की गई मील की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है? माइलेज। आगे देखते हैं, खाली जगह पर पानी वाष्प में बदल जाता है किस पर? इसका सही जवाब हो गया आपका गर्म करने पर। आगे देखते हैं, पौधों में ने खाली जगह किसकी प्रक्रिया के माध्यम से हवा में पानी निष्कासित करते हैं? यानी वाष्पोत्सर्जन। आगे देखते हैं, बाढ़ का कारण क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका अत्यधिक वर्षा। आगे देखते हैं, मच्छर और अन्य कीड़े किसके बहुतया से प्रजनन करते हैं? इसका सही जवाब हो गया स्थिर पानी। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन मुक्त बहने वाले पानी की ऊर्जा को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करती है? इसका सही जवाब हो गया वाटर व्हील। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गर्म करने का पर फैलाव और ठंडा करने पर संकुचन दर्शाता है? इसका सही जवाब हो गया तरल पदार्थ। आगे देखते हैं, सूची को देखिए और पता लगाइए कि पदार्थ में घुलनशील चीनी साबुन पाउडर नमक पत्थर चावल क्या क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन एक यानी तीन। आगे देखते हैं, जहां उत्पादों और सेवाओं का निर्माण घर आधारित होता है उसे क्या किसके उद्योग कहलाता है? इसका सही जवाब हो गया लघु पैमाने पर। आगे देखते हैं, एक साथ रहने वाले चींटियों के समूह को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो गया कलोनी। आगे देखते हैं, उच्च जोखिम वाली इमारतें क्या कहलाती है? बहुमंजिला इमारतें। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीट अकेला रहना पसंद करता है? कौन सा है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन तीन यानी दीमक, ये झुंड में नहीं रहता है। टैगा वन क्या है? इसका सही जवाब हो गया शंकुधारी वन है। आगे देखते हैं, कौन सा घर ईंटों और सीमेंटों से बना होता है? इसका सही जवाब हो गया पक्का मकान। आगे देखते हैं, हम हाउस बोट को कहाँ खाली जगह में देख सकते हैं? इसका सही जवाब हो गया कश्मीर और केरल में। आगे देखते हैं, मधुमक्खी शहद बनाती है? इसका सही जवाब हो गया आपका फूलों का मधु। आगे देखते हैं, मिलावटों को मिलाने से भोजन का क्या एक मिनट भोजन का क्या मूल्य कम हो जाता है? इसका सही जवाब हो गया पोषक तत्व। अतिरिक्त पदार्थ शब्द उस पदार्थ को संदर्भित करता है जो भोजन की प्रकृति और गुणवत्ता को प्रभावित करने के लक्ष्य से जोड़ा जाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन दो खाद्य अपमिश्रण। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री पारदर्शी है? इसका सही जवाब हो गया आपका कांच का गिलास। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर है? इसका सही जवाब हो गया आपका लोहा। आगे देखते हैं, अधातुए हैं कौन है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन तीन आमतौर पर उस ठोस और गैसे। आगे देखते हैं, मिट्टी खाली जगह जैसे खनिजों से बहुत समृद्ध है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन तीन मैग्नीशियम पोटेशियम और फास्फोरस। आगे देखते हैं, हम तेंदुए को ठंड से सुरक्षा पाने के लिए उसके शरीर पर क्या होता है? इसका सही जवाब हो गया आपका मोटा फर। आगे,
हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जो हमें उन पर प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करते हैं क्या कहलाते हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका उत्तेजना। आगे देखते हैं, लंबाई की बड़ी इकाई क्या कहलाती है। इसका सही जवाब हो गया किलोमीटर। आगे, 5 किलोमीटर बराबर होते हैं किसके बराबर होते हैं, 5000 मीटर। आगे देखते हैं, खाली जगह एक सुचालक है किसका, धातु का। आगे देखते हैं, विद्युत सेल का केंद्रीय किसका सदैव धनात्मक होता है। इसका सही जवाब हो गया आपका टर्मिनल। आगे देखते हैं, जब स्विच के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है तो बल्ब नहीं जलता है। इसका सही जवाब हो गया माचिस की तीली। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़े और गलत वाक्य चुने। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं, एक प्रश्न उत्तरी प्रतियोगिता में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जहां आपको वह कथन चुनना होता है जो गलत है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4, पृथ्वी की पपरी पूरी तरह से प्लेट पर एक टुकड़ा है। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों की समूह पर विचार करें और जवाब दे। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 यानी 1 और 2। 1 और 2 में क्या है, भूकंपीय क्षेत्र, और 2 में है दोष क्षेत्र। आगे देखते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित के बारे में बताया, क्या बताया। इसका सही जवाब हो गया आपका 1752 में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण बनता है। ये सभी कारण हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर नवीनीकीय संसाधन नहीं है। इसका सही जवाब हो गया इनमें से कोई नहीं।